मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटा धार की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया, क्या स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया मगर वो नहीं माने, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में कांग्रेस डूबी रही। अंततः गतवा 2014 में मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी उनका नेता ये नाते चयन करना था, संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको चयन करता है करना है दो विचारधाराओं के बीच में। एक और कांग्रेस पार्टी कहती है देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है, अधिकार है।